हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आज घने अंधेरे में फिर से आ गया हूँ एक और अंधकार में उजाला करने वाला वीडियो लेकर, जहाँ पर मैं हेडलाइट का टेस्ट करने वाला हूँ टोटल 3 स्कूटर्स का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टोटल 3 स्कूटर्स की हम लोग आज हेडलाइट टेस्ट करेंगे। एक है मेरा प्यारा बर्गमैन जो BS4 है, दूसरा है TVS का जुपिटर BS6 वर्जन, और तीसरा है TVS का एंटोर, वो भी BS6 वर्जन है। और इस वीडियो के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री कमल जीना जी को जो पीछे दिख रहे हैं आपको, और श्री कुलदीप जी को। ये कुलदीप जी का जुपिटर है और कमल भाई ने अभी नया एंटोर लिया है। तो अब चलते हैं हम लोग फटाफट स्कूटर्स पे और इनकी जल्दी से हेडलाइट टेस्ट करके देखते हैं कि किसकी रोशनी ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, ये खड़ा हुआ है बर्गमैन BS4 वर्जन है, और इसके बराबर में ये खड़ा हुआ है एंटोर्क, ये BS6 वर्जन है, और उसके बराबर में खड़ा हुआ है TVS का जुपिटर जो कि BS6 वर्जन है। तो आइए देखते हैं इनकी हेडलाइट टेस्ट। तो चालू करते हैं, कमल भाई शुभारंभ कीजिए बर्गमैन से। तो दोस्तों, ये जल गई बर्गमैन की रोशनी। अब हम लोग देखते हैं एंटोर्क की लाइट। दोस्तों, ये जल गई एंटोर्क की हेडलाइट। अभी फिलहाल बर्गमैन के कंपैरिजन में तो एंटोर्क की रोशनी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब हम लोग देखते हैं जुपिटर की लाइट। तो जुपिटर ने भी उजाला फैला दिया। तो एक तरफ जुपिटर और एक तरफ बर्गमैन, इन दोनों की हेडलाइट के सामने एंटोर्क की रोशनी फीकी है क्योंकि वो येलो कलर में है, और बाकी दोनों स्कूटर में आपको LED हेडलाइट मिलती है। और हालांकि मैं आपको बता दूं, इन तीनों में मेरे को जुपिटर की हेडलाइट काफ़ी बेटर दिखाई दे रही है वीडियो में और सामने से भी। अब करते हैं हम लोग इनका हाई बीम का टेस्ट। तो ये जली बर्गमैन की हाई बीम और काफ़ी अच्छी रोशनी है। तो एंटोर्क की हाई बीम की रोशनी काफ़ी दूर तक जा रही है और वो बर्गमैन से काफ़ी बेटर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं हम लोग जुपिटर की। तो जुपिटर की हाई बीम की रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों, इन तीनों में तो मेरे को जुपिटर ही जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों कुलदीप भाई, क्या कहते हो? कुलदीप भाई भी जी सर बिल्कुल कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्यारा बर्गमैन फेल हो गया हेडलाइट टेस्ट में, मगर बर्गमैन की हेडलाइट की भी रोशनी काफ़ी अच्छी है, मगर यहाँ पर क्लियरली जुपिटर जीतता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं फ्रंट से लूँ इनका वीडियो, तो आप देख रहे हैं सफ़ेद रोशनी बाहर आती हुई, फ्रंट से बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल कभी भी नहीं होता कि किसकी रोशनी ज़्यादा है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को एंटोर्क की पीले कलर की रोशनी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इन तीनों स्कूटर्स की हेडलाइट का नाइट टेस्ट हो चुका है पूरा, एंड आई होप अब आपके लिए बाइंग डिसीजन लेना आसान हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कौन से स्कूटर की लाइट दूसरे से बेहतर है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मैसेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग मेरे आसपास के शहर से ही हैं और आप लोगों के पास ये BS6 का 2-व्हीलर है, जिससे मैं इनका टेस्ट नाइट हेडलाइट का और इसके साथ में आप लोगों का ओनरशिप एक्सपीरियंस और बाइक या स्कूटर का राइड रिव्यू भी ले पा रहा हूँ, और इससे हम लोग और लोगों के बाइंग डिसीजन में उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से। और इसके अलावा, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल राइड विद आशीष को सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्कार।